हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मज़े में हो गए और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पार्टनर की कल रात की फीलिंग आपके लिए, वो क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे। आपको एकदम हैप्पी और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को देखना है। हित आप ध्यान नहीं देना है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रिजल्ट नहीं कर सकती। जो रिजल्ट होता है उसे रखें, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। और यस, अगर आप बहुत सालों से महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पर देगा नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। और यस, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, चार्जेबल होती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर बॉटम में है चेंज, तो इस रिलेशनशिप में चेंज तो डेफिनेटली लाना चाहते हैं, ठीक है। हम देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या थी कल रात की। ट्रू मैसेज दे यूनिवर्स, मेरे यूनिवर्स की कल रात की फीलिंग्स बता, मेरे यूनिवर्स कल रात क्या कुछ सोच रहे थे इनके पार्टनर के लिए। ट्रू मैसेज दे, मेरे यूनिवर्स क्या कुछ सोच रहे थे कल रात इनके पार्टनर के लिए। तो यस, आप बहुत ज़्यादा परेशान मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड यही शो करता है कि आप बहुत ज़्यादा तकलीफ डिप्रेशन में हो, रात रात भर सोते नहीं हो, जागते रहते हो, आपके इस रिलेशनशिप का पास्ट सोचते रहते हो, और जैसे कि ना बहुत ज़्यादा अटका हुआ महसूस कर रहे हो आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है। निकलने की कोशिश करते हो, मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, निकलने की कोशिश करते हो, मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, लेकिन आपसे होता ही नहीं है, ठीक है। आप जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं किसने आपको आपके पार्टनर के साथ जैसे कि हमेशा के लिए बांध दिया है, भले वो आपको छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन फिर भी आप जो कि उनसे डिटैच हो ही नहीं पाते हो, आपका इस तरह से बहुत ज़्यादा तकलीफ में और नेगेटिविटी में हो, ठीक है। शायद रोए भी हो आप कल रात। और देख लेते हैं, यस, प्रोजेक्शन का कार्ड यही शो करता है कि आपके पार्टनर जैसे कि साये की तरह आपसे चिपके हुए रहते हैं हमेशा, ठीक है। आपको लगता है कि आपके पार्टनर हर वक्त हर पल आपके साथ जुड़े हुए हैं, इसी बारे में आप सोचते रहते हो। कल रात भी आपने यही सोचा है। टोटलिटी का कार्ड यही शो करता है कि आप जैसे कि अपने पार्टनर के साथ बहुत जल्दी, मतलब कि एक साथ होने चाहते हो, एक साथ होना चाहते हो, दिल से उनके साथ रीयूनियन करना चाहते हो, जो कि नहीं हो पा रहा है, तो जो कि डिवाइन के ऊपर सरेंडर करके आप जैसे कि अपने नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे बॉटम में रिसेप्टिविटी आपने स्वीकार कर लिया है इस रिलेशनशिप में, जो भी है जैसा भी चल रहा है, अगर डिवाइन को मंजूर है तो रिश्ता अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपने तो अपनी तरफ से सब कुछ करके देख लिया है, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जीज है कल रात की। आपके पार्टनर की अगर बात करूँ, यहाँ पे स्ट्रांगली साइंस है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एरिस लियो सैजिटेरियस, ठीक है। नंबर है यहाँ पे 21 2 7 10 9 3 10 8 5 1। आपके आपके पार्टनर के बर्थडेट्स हो सकते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कम्प्लीशन के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप में चेंज लाने के बारे में सोच रहे थे, पहले जैसे कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे इस रिश्ते को कैसे स्टार्ट करें, करना है नहीं करना है, लेकिन जो कि और डिवाइन के ऊपर सरेंडर भी कर दिया है, ठीक। खुद होकर आपके पास आने के बारे में सोचते बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इनको ना आपकी तरफ से नेगेटिविटी मिलती है, ठीक है, कि सडनली जब ये आपको कॉल मैसेज करने का सोचते हैं, जैसे कि कल रात इन्होंने आपको कॉल मैसेज करने के बारे में सोचा, तो उसी वक्त जैसे कि इनको ना आपकी जो बुरी, जो आपने इनको बुरा बोला है ना, वो सब कुछ इनके माइंड में ना मतलब कि चलने लगता है। एक बार फ़ोन हाथ में लेते, मैसेज टाइप करने की कोशिश करते हैं, या फिर जैसे कि नंबर डायल करने की कोशिश करते हैं, तो सडनली आपका फेस जो कि गुस्से में था वो इमेजिन होना स्टार्ट हो जाता है, तो जैसे कि रुक जाते हैं, ठीक है। कंप्लीशन लाना है, रिश्ता स्टार्ट करना है। क्रिएटिविटी का कार्ड शो करता है कि मतलब कि ये आपके साथ जैसे कि अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, ठीक है, और आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। चांसेस बनते हैं कि इन्हें कुछ बुरा सपना आया होगा जिसमें कि आप इनसे बिछड़ रहे हो, या फिर आपकी शादी कहीं और हो रही है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ना बहुत ज़्यादा आपको खोने से डरते हैं, ठीक है। इसी तरह से इन्होंने मतलब कि रात को आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है, आपको लेके बहुत ज़्यादा सोचा है, पॉजिटिव ही सोचा है, और जैसे कि सडनली ऐसा थॉट आया दिमाग में कि पता नहीं अगर ये मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गई तो मुझे बहुत जल्दी कुछ करने की ज़रूरत है, इस तरह से इनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा था, ठीक है। लेकिन गोइंग विद द फ्लो का कार्ड यही शो करता है कि आपके पार्टनर ने आपके इस रिलेशनशिप को फिलहाल के लिए तो डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया, ठीक है। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड यही शो करता है कि हर पल वो आपके साथ देखते हैं, मोमेंट टू मोमेंट ये आपके साथ खुशियाँ देखते हैं। इनको ये पता है कि जैसे जैसे एक एक स्टेप वो आगे आएंगे आपके पास, तो इनको खुशियाँ ही मिलेगी। प्लेफुलनेस के एनर्जीज में आना चाहते हैं, खुशियाँ, एन्जॉयमेंट,
अच्छी लाइफ, पॉजिटिविटी इनको सिर्फ आप ही के साथ दिखती है, ठीक है। लेकिन जो कि नहीं कर पाने की वजह से, ये सब कुछ करने की इच्छा होने के बावजूद एक्शन नहीं ले पाने की वजह से, मतलब कि हिम्मत नहीं हो पाती एक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो जिसकी वजह से कि जो इनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। कल रात यही था, इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल हाई हो चुका था, जैसे कि आप भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, ठीक है। आप दोनों जैसे कि एनर्जेटिकली एक दूसरे के साथ इतने कनेक्टेड होना कि आप जैसा फील करते हो सेम फीलिंग्स आपके पार्टनर की भी होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो आप भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, आपके पार्टनर भी कल रात बहुत ज़्यादा परेशान थे। इस तरह से सेपरेशन का कार्ड यही शो करता है कि इनको ना जहाँ पर भी है ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट में रहते हैं, ठीक है। जिस भी घर में रहते हैं ना कुछ भी अच्छा नहीं है, लोग भी अच्छे नहीं है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें करते रहते हैं सामने वाले का। हर चीज़ में कॉन्फिडेंस लूज कैसे करना है ये इनके घर वालों को अच्छे से पता है, मतलब कि सिर्फ फैमिली लाइफ नहीं बाहर भी अगर ऑफिस में जाते हैं कुछ और काम करने जाते हैं तो इनको जैसे कि हमेशा डीमोटिवेट किया जाता है। तो इस बात की वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। स्ट्रेस लेवल इनका बहुत ज़्यादा हाई, परेशान, और जैसे कि चांसेस बनते कि रात को सोए भी नहीं है, ठीक है। और वी आर द वर्ल्ड का कार्ड यही शो करता है कि इन्होंने जैसे कि आपको अपनी दुनिया मान लिया है, और उन्होंने जैसे कि डीप डीप सबकॉन्शियस माइंड में ये बात फिक्स करके रखी है कि इनको जो कि खुशियाँ सिर्फ और सिर्फ आप ही के साथ मिलेगी, ठीक है। मुझे जाना है, मैं जाऊँगा ज़रूर, जैसे कि चेंज आएगा ज़रूर इस रिश्ते में, ठीक है। फिलहाल जो कि सही वक्त नहीं है, डिवाइन के ऊपर सरेंडर है, आएंगे ज़रूर, इस तरह से इनके थॉट्स थे, ठीक है। कल रात बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज में थे और आपको लेके पॉजिटिव थे, ठीक है। लेकिन सडनली जैसे कि आपकी नेगेटिविटी इनको फील हो जाती है तो डर लग जाता है, क्या एक्शन लूँ नहीं लूँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, बात करूँ नहीं करूँ, या फिर जैसे ज़िंदगी चल रही है वैसे ही ज़िंदगी जी हुई है, इस तरह से सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हम देखते हैं इनकी तरफ से इस वक्त आपके लिए क्या मैसेज आता है। गाइड कर यूनिवर्स, इस वक्त क्या मैसेज है मेरे यूनिवर्स के लिए इनके पार्टनर की तरफ से। हमें ट्रू मैसेज दे, मेरे यूनिवर्स के लिए क्या मैसेज है इस वक्त। यस, ये आपको यही बताना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी को लेके ओवर थिंकिंग करते हो ना, तो ओवर थिंकिंग करना बंद करो, क्योंकि ये थर्ड पार्टी से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। भले ही थर्ड पार्टी के साथ अब इसी वक्त है, लेकिन जो कि वो आप ही की ओर हर वक्त देखते रहते हैं, आप ही के साथ रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके पास आने के लिए प्लानिंग बना रहे हैं, ठीक है। इनका एक्शन आपको बहुत जल्दी आने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लकी लोगों के लिए एक दिन में या एक घंटे में भी आ सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एक हफ्ता, कुछ लोगों के लिए एक महीना, लेकिन जो कि आपका रिश्ता फ्यूचर में स्टार्ट होने वाला है। द हेरोफंट का कार्ड यही शो करता है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है, ठीक है। वो आज भी आपको वैसे ही प्यार करते हैं जैसे पहले करते थे, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।